10 दिसंबर को बलौदाबाजार में शहीद वीर नारायण सिंह की याद में शहादत दिवस मनाया जाता है। शहादत दिवस पर सरकार सोना खान गांव में करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये केवल एक दिन की कहानी है। 10 दिसंबर से पहले और 10 दिसंबर के बाद सोना खान के लोग किस हाल में जीते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शहीद वीर नारायण सिंह, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसी सोना खान गांव में रहकर अंग्रेजों से लोहा लिया। वक्त बीता, देश आजाद हुआ, लेकिन सोना खान के दिन नहीं फिरे। 1965 में यहां मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह आए। तभी से हर साल 10 दिसंबर को यहां शहादत दिवस मनाया जाने लगा। प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर शहीद वीर नारायण का स्मारक बनाया, विकास के वादे किए, लोगों को लगा अब दिन बदलेंगे, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद विकास के दावे कोरे ही साबित हो रहे हैं। स्मारक को ही देख लीजिए, हर साल 10 दिसंबर को यहाँ भव्य समारोह होता है और बाकी दिन खलिहान बना रहता है। राम भरोसे है स्मारक, ना साफ सफाई की व्यवस्था है ना सुरक्षा की। यहाँ केवल 10 दिसंबर को ही उनको जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ लोग बाग आते हैं, बाकी समय यहाँ कोई नहीं आते। नहीं, उनके स्मारक के लिए ये जिस तरह से गंदगी पसरा हुआ है, टूट फूट कर रहे हैं लोग बाग, उसके लिए किसी तरह से व्यवस्था किया गया है सुरक्षा गार्ड की? कोई व्यवस्था नहीं है, न कभी इनका कुछ देख रेख होता है, साफ सफाई भी नहीं होता इनका, ये जो स्मारक बना है उसका। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन बुनियादी सुविधाओं पर तो सबका हक है, लेकिन सोना खान के निवासियों को ये सब भी नसीब नहीं। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ही हाल देख लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये टेम्परेचर मापी यंत्र है जिसकी हालत आज ऐसा है कि कौड़ी के दाम कबाड़ी में बिकेगा। वही पे गद्दा पड़ा हुआ है, ये सब देख सकते हैं, ये गद्दा है। उसी प्रकार से एक कुर्सियां, टेबल, स्ट्रेचर सब इस प्रकार से सभी यहाँ के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी चिकित्सा विभाग के कोई भी कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। समझाना मुश्किल है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या कबाड़ का सामान रखने की जगह। दवाइयां बक्से में बंद पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं, लेकिन ग्रामीणों को मिलती नहीं। मिले भी कैसे, डॉक्टर हो तो दवा दें। कुछ ऐसा ही हाल बिजली, सड़क, पानी का है। विभाग बने हैं लेकिन बस नाम के। सड़क, सिंचाई, ये सब चीज के मूलभूत सारी समस्या हल करे कृषि से, पर अभी तक की न सिंचाई की सुविधा नहीं मिले है सोना खान ला, न स्वास्थ्य हॉस्पिटल बने है वहाँ, पूर्ण रूप से कर्मचारी डॉक्टर भी नहीं है अभी तक। अभी वर्तमान में तो दवाई के पूरा अभाव है। पंचायत लेवल की संपूर्ण काम अपने को स्वीकृति मिल गई है, अधिकांश काम पूर्ण हो चुके हैं और अभी तक सरकार द्वारा अपना महाराजी और बंगला पाली के मध्य सेतु निर्माण करने की घोषणा की गई है, वो काम अब तक की बजट में स्वीकृति अपने को नहीं मिली है। शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज भी बेहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। टूटी फूटी झोपड़ी में बिना बिजली पानी के जीवन चला रहे हैं। यहाँ तक कि शासन की ओर से बीपीएल कार्ड तक नहीं मिला। जो 5 एकड़ जमीन मिली भी वो जंगल में है, अब भला वहाँ खेती कैसे हो। मैं जो माता को दिया जाता है जी, शाम को जी, उसी का अंदर में खा जाता हूँ। अभी तक बिजली की बुआ नहीं हुई है, अब देखो ना भाई, कुछ नहीं, जैसे कुछ ऐसे है, कोई जमीन नहीं, तो पूरा जंगल है, जंगल है, जंगल है, जंगल है। नहीं, नहीं, शासन से आपको पेंशन भी दिया जाता है ना? 1000 कौन बड़ भारी चीज है जी, इतना नाम सिर्फ इसको जानो, नाम को जी जी अमर बना दिया है। तो शासन है, खेत दे और घर बना के दे, वो कहे जंगल ना कैसे करबो हम। अच्छा, तो अभी तक हम खेती नहीं बन सकते, कुछ नहीं खाए बचाओ नहीं है, तो हम जंगल नहीं है। इस बारे में जब SDM से बात की गई तो वो भी अपनी मजबूरी जताने लगे। राजस्व जमीन खोजा जाए तो उस एरिया में नहीं है जी। हाँ जरूर,
यदि खेती करनी होगी तो उसके लिए उसके सुधार की आवश्यकता होगी। शासन स्तर पर कृषि विभाग में समर्थन कुछ सुधार की व्यवस्था का प्रावधान है तो हम अपने स्तर से कृषि विभाग को इसके संबंध में पत्राचार करेंगे। 10 दिसंबर की तारीख करीब है। एक बार फिर सरकारी अमला शहादत दिवस की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन क्या इस बार भी श्रद्धांजलि के नाम पर केवल रस्में ही निभाई जाएंगी या शहीद वीर नारायण सिंह की इस सोना खान की तस्वीर बदलेगी? 10 दिसंबर को जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा जाता है, इनकी शहादत दिवस मनाई जाती है, वहाँ पर केवल एक हफ्ते की तैयारी में पूरे राजधानी से लेकर के देश भर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन उसके बाद इस शहादत दिवस को भूल जाते हैं, वीर नारायण सिंह एवं उसके वंशजों को भूल जाते हैं। यहाँ तक ये है कि उनकी क्या हालत है इनको देखने वाले कोई नहीं है। संतोष साहू, सारा समय बड़ौदा बाजार।